फ्रेंड्स, ये क्लास अटेंड करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मिसेलेनियस का 1 to 8 जो है वो क्वेश्चंस अटेंड कर लिया है। तो इस वाले क्लास में मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझाऊंगा, आप बुक और कॉपी लेकर रेडी हो जाए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x बाय 1 + x, एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना है इसको, देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एल एच एस से। ठीक है, टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स को हम ले लेते हैं थीटा। लेट टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। नाउ नाउ अभी हम लोग आर एच एस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, आर एच एस को ले लो यहां से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? हाफ कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ पुट करेंगे। x के जगह पे टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो हाफ कॉस इनवर्स 1 - tan² θ बाय 1 + tan²θ। नाउ 1 - tan²θ बाय 1 + tan²θ, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। ये मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan²θ अपॉन 1 + tan²θ। तो अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे जस्ट 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 थीटा होता है, तो हाफ इंटू 2 थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा। एंड थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? टैन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू एल एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 + sin x प्लस रूट ओवर 1 - sin x अपॉन रूट ओवर 1 + sin x माइनस रूट ओवर 1 - sin x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 होगा, और x कहाँ बिलोंग करेगा? 0 से π/4 ओपन इंटरवल में ये बिलोंग करता है, ये दे दिया है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसमें? देखो यहाँ पर हम लोग दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन x इज इक्वल टू 2 sin x/2 कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, और थीटा के जगह पे हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा एंगल एक्स बाय टू है, तो हम लोग यहाँ पर ये थीटा के जगह पर भी एक्स बाय टू यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जहाँ पर वन है उसको हम लोग इस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे? एक्स बाय टू रखेंगे। देखो एंगल जो भी रखे यहाँ पर और यहाँ पर सेम एंगल अगर होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू हमारा 1 ही होगा। तो 1 को जस्ट हम रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू से हर जगह पे। और क्यों कर रहे हैं इसको, अभी क्वेश्चन को देखो, सवाल को देखो, देखने से आपको क्लियर हो जाएगा क्यों इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। हम मेन रूट हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो आगे देखो सॉल्यूशन को, देखो कॉट इनवर्स एल एच एस हमने लिया है, एल एच एस कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 को क्या लेने वाले हैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ये साइन एक्स का फॉर्मूला
टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। और ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि किस तरीके से ये होता है, और इवन आपने क्लास 11 में भी किया हुआ है इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये जो वन है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। थोड़ा लंबा हो रहा है, नहीं बट करना होगा। अच्छा, बीच में ये ध्यान रखना होगा इस चीज का, ठीक है। ये वाला का ये हो गया और इसका ये हो गया। नाउ नीचे में भी सेम चीज करेंगे, वन के लिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस है यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सब में, इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी, इसमें भी मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी, इसमें भी मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी। तो इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, कॉट इनवर्स रूट ओवर, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये जो है ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, तो ये आ जाएगा हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए के जगह पे होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस, सॉरी ये माइनस का होगा आइडेंटिटी, माइनस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर। सेम चीज़ आपको डिनोमीटर में भी दिख रहा है, तो डिनोमीटर में भी लिख देना है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस, सॉरी इसमें माइनस होगा, माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कॉट इनवर्स ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स इसका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और इसका हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। समझ रहे, रूट से बाहर निकल जा रहा है, ये स्क्वायर है और रूट है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। अपॉन नीचे क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो देखो प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू। तो टू टू कैंसिल कर दो आप, कॉट इनवर्स ये क्या है, कॉस बाई साइन, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसके बाद कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स होता है एक्स, ठीक है। एंड एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जीरो से पाई में बिलोंग करना चाहिए, और एक्स तो हमारा ऑलरेडी जीरो से पाई बाई फोर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक्स बाई टू। तो देखो हमारा जो आर एच एस है उसमें भी एक्स बाई टू ही है, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, ये वाला स्टेप को बहुत ही ध्यान से करना होगा। ये स्टेप आप ध्यान से कर लिए, ठीक है, कुछ नहीं छूटा, तो बाकी का स्टेप्स जो है आराम से कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बोला है और एक्स जो है माइनस 1 बाई 2 से 1 पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन देखो 2.2 में भी दो क्वेश्चन कराया था जहां पर ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स फॉर्म में था। ए मतलब यहाँ पर 1। ठीक है, तो उस समय मैंने बोला था कि आपको एक्स को कुछ ऐसे रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है किसी थीटा से या किसी ट्रिग्नोमेट्री से इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ए तो हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन में देखना हिंट भी दिया हुआ है, ए आपको एक्स को रिप्लेस करने के लिए बोला है कॉस 2 थीटा से। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स को हम लोग ए कॉस 2 थीटा कर रहे हैं, और ए क्योंकि यहाँ पर 1 है, ए यहाँ पर मैंने उस 2.2 में जब बताया था तो मैंने बताया था कि ए के मल्टीपल में ही लेना है आपको, तभी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ए तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मतलब 1 इंटू कॉस 2 थीटा कर रहे हैं, तो जिसका वैल्यू होगा कॉस 2 थीटा, ये हम पुट कर रहे हैं x के जगह पे कॉस 2 थीटा पुट कर रहे हैं। तो अगर x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो LHS को ले लो, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, अगर पता नहीं है उसे याद होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लो। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझे, कॉस 2 थीटा का ये वैल्यू डाल दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पर देखो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका वैल्यू हमको 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, इसका भी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस बार इसको चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये जस्ट याद दिलाने के लिए मैं ये स्टेप्स या फिर ये दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी क्लास 11 में कर चुके हैं। तो यानी कि हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा में ये डालेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा डालेंगे, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा में हम लोग डालेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइड में कहीं लिख के रखना, ठीक है, रिविजन करते समय हेल्पफुल होगा। इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा अभी अभी दिखाया मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर है माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अगेन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा इसमें प्लस है नीचे, प्लस क्वेश्चन एक बार देख ले तो हाँ प्लस ही है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं जगह को। तो यहां पर लिखते हैं ये क्या हो जाएगा,
टेन इनवर्स, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा अपॉन अगेन रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स तो ऊपर में से रूट टू कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में से भी रूट टू कॉमन आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया यहाँ पे हमारा टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। नाउ इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने 2.2 में किया हुआ है, ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, टेन इनवर्स ऑफ, अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, अपॉन अगेन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वन हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पूरा हमने किससे डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो वन है इसको मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाय फोर, ठीक है, माइनस टेन थीटा अपॉन, नीचे वन को ऐसे रहने देता हूँ, प्लस इसको लिख सकता हूँ टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा, है ना। तो ये किस फॉर्म में आ गया, जरा ध्यान से देखना, क्या तुमको ये इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, किधर गया, हाँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, जहां पर एक्स की जगह पे टेन पाई बाई फोर है, वाई की जगह पे है टेन थीटा, ठीक है, नीचे प्लस होगा वन प्लस टेन, ये एक्स का जगह पे देखो टेन पाई बाई फोर एंड वाई के जगह पे टेन थीटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक्चुअली इस फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर एक्स टेन पाई बाई फोर है और वाई क्या है टेन थीटा है। तो इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमको पता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, है ना ये, और एक्स की जगह पे हमारा क्या है टेन पाई बाई फोर है, तो टेन पाई बाई फोर हो जाएगा। उसके बाद ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, फिर क्या है माइनस, तो यहां पे लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स, फिर क्या है वाई है और वाई की जगह पे हमारा क्या है टेन थीटा है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद यहां पे दिखाते हैं, ये रीजन एक्चुअली ये स्टेप से रिलेटेड है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर, इसका वैल्यू तो पाई बाई फोर ही होगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, इसका वैल्यू होगा थीटा, एंड थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है हमारे पास, थीटा हमने टू थीटा है एक्चुअली हमारे पास, तो यहां से आप थीटा निकाल ही लो, थीटा इज इक्वल टू, ये टू इधर आ जाएगा, तो वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू क्या है 1 बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाई फोर माइनस 1 बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो आर एच एस है, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, ये प्रूफ करना है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना होगा, हम लोग पहले LHS को लेते हैं, ठीक है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4
साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से आप 9/4 कॉमन ले लो तो क्या रहेगा, π/2, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया इधर से, है ना, डिनोमिनेटर से, माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। तो 9/4 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। क्यों इसका वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 होगा, इसका रीज़न है, ये हमने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 साइन इनवर्स एक्स को इधर लेके आएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, वही लिखा हमने। नाउ इस कॉस इनवर्स 1/3 को आप साइन इनवर्स में चेंज करो तो ये वैल्यू आ जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, देखो लेट, ये ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिए हमने, इज इक्वल टू ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए 1/3 हो जाएगा, है ना। अब आगे यहाँ पर देखो एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर ये हमारा ए है तो कॉस ए 1/3 मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर निकाल लो, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस 3 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, और 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है 2√2। तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 2√2 बाय हाइपोटेनियस मतलब 3, तो साइन इनवर्स 2√2/3 मतलब हो जाएगा ए। तो ए हमारे पास कॉस इनवर्स 1/3 था और ए हमारे पास साइन इनवर्स 2√2/3 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4, इसके जगह पे कॉस इनवर्स 1/3 के जगह पे लिख दो साइन इनवर्स 2√2/3। देयरफॉर जो हमारा LHS था वही हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वाले वीडियो में है, देख लो कंटिन्यू इसके बाद ही। ठीक है।